दुबई के से एक समुद्र में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे थे जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। समुद्र की खतरनाक लहरों को रोककर वहाँ एक लाक्षरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के सेग ने देखा था वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक घिनौना ख्वाब साबित हुआ। गैन सुजोई की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुजान थी। नासरीन, इस वीडियो के पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी उसको 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए ये पाम शेप का आइलैंड डिज़ाइन किया गया। इस पाम शेप के आइलैंड को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो उसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज कहाँ से किए गए। जिन पत्थरों को समुद्र में डालकर यह आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन पर नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए ड्राइवर 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठे टीम को ओके का सिग्नल देते थे। चैलेंज नंबर 5, पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए अभी 6 महीने गुजर चुके थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इंजीनियरिंग टीम को ये आइलैंड बनाने के लिए जो डेडलाइन दी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल, यानी अब इंजीनियर्स के पास बाकिया सिर्फ 21 महीने बचे थे जिसमें ये ब्रेक वाटर भी कंप्लीट करना था और साथ साथ इसके अंदर पामटी शेप का आइलैंड भी। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था कि अगर इन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर के आइलैंड बनाने का काम शुरू किया तो ये शेख की दी गई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो समुंदर की लहरें इस आइलैंड को निगल जाएंगी। यानी अब इंजीनियर्स एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिनमें से निकलने के लिए उनको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेंगी, यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा उस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ बनना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग हुई ही थी कि सर्दियों का मौसम आ पहुँचा और एक नई मुसीबत गले पड़ गई। हर साल सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ़ तेज़ हवाओं के निशाने पर रहता है जिनको सामाल स्ट्रॉम कहा जाता है। इन तेज़ हवाओं की वजह से समुंदर काफ़ी भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि इसमें ट्रैवल करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समुंदर का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी था। इस तूफान की वजह से 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पे था, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया बल्कि एक ऐसे मसले का सॉल्यूशन ढूंढने लगे जो वाकई एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। चैलेंज नंबर 6, पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस पाम टी शेप के आइलैंड को बनाने के लिए हैरतअंगेज तौर पे 1.5 करोड़ टन बजनी रेत रिक्वायर्ड थी, जो कि वाकई एक सार फिरा देने वाला टास्क था। चैलेंज ये नहीं था कि इतनी सारी रेत आइलैंड साइड तक पहुँचाई कैसे जाएंगी, बल्कि चैलेंज ये था कि इतनी सारी रेत लाई कहाँ से जाएंगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएंगी तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये रेत बहुत ही बारीक है जिसको अगर पानी में डाला गया वो पानी में मिक्स हो जाएंगी। यानी इंजीनियर्स को एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो, जिससे आइलैंड मजबूती से खड़ा भी रहे। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समुंदर की बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समुंदर में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहाँ बॉटम पर इतनी ज़्यादा रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने में पूरी पड़ सकती है। समुंदर की बॉटम से ये रेत निकलने के लिए ये ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8,000 टन बजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेनबोइंग कहा जाता है। रेत को निकलने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में एक ड्रेजर को 4 घंटे लगते हैं और एक वक्त में 8,000 टन रेत ट्रांसपोर्ट की जाती थी। यानी अगर ये ड्रेजर सिर्फ डे टाइमिंग्स में 12 घंटे काम करेगा तो पूरे 1.5 करोड़ टन रेत लाने में 2 साल लग जाएंगे, लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना टाइम कहाँ था, इसीलिए ये फैसला किया गया एक वक्त में कई डीजर ये काम अंजाम देंगे ताकि कम से कम टाइम में शेप की दी हुई डेडलाइन पर पूरा उतर सके। चैलेंज नंबर 7, पामटी शेप के आइलैंड को रेनबोइंग के जरिए बनाना इतना आसान भी नहीं था। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लाइन सीधी थी, बाकी सारी लाइन्स कार्ड शेप में थी और ख़ासतौर पर ट्री का ये कॉम्प्लिकेटेड शेप इंजीनियर्स के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर रहा था। ड्रेजर समुंदर में रेत स्प्रे तो कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड का कुछ हिस्सा समुंदर के ऊपर भी आ चुका था, लेकिन आप जानना ये था कि जो शेप ये लोग बनाना चाह रहे थे वो वाकई बन भी रही है या नहीं। अगर गलत पोजीशन पे रेत स्प्रे की गई ना सिर्फ आइलैंड का शेप बर्बाद होगा बल्कि पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकते हैं।
इसी वजह से ये फैसला किया गया कि 650 किलोमीटर ऊपर आसमान में अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की मदद ली जाए। जी हाँ, अर्थ के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट के जरिए पाम जुमेरा साइट्स की फ़ोटो ली गई, जिससे ये साबित हुआ कि अभी तक आइलैंड का जितना भी काम हुआ है उसकी सेप प्लान के मुताबिक ही है। सेक को ये जानकर खुशी तो हुई, लेकिन जैसे जैसे ड्रेजर सेंस पे करता जा रहा था उसकी मुश्किलात में उतना ही ज़्यादा इजाफा भी हो रहा था। ना ही समुंदर में ट्रीसेप का कोई आउटलाइन थी और ना ही ऐसी कोई आउटलाइन या बनाई जा सकती थी। ड्रेजर का अंदाजे से समुंदर में रेस पे करके पाम ट्रीसेप को मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे ड्रेजर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता चल सके, वो फिर वहीं तक रेस पे करे। इस काम को अंजाम देने के लिए GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्कर्स जिनके हाथ में GPS यूनिट मौजूद थे वो आइलैंड के बॉर्डर पे वर्क करके जाते और उनकी पोजीशन का रियल टाइम डेटा सेव होता जाता था। GPS कोऑर्डिनेट्स का ये डाटा ड्रेजर को भेजा जाता था और ड्रेजर सिर्फ उसी पॉइंट पर रेत स्प्रे करता था जहाँ मैनुअली इंसान वर्क करके गया था। ये सॉल्यूशन पूरी तरह काम कर रहा था और अब ड्रेजर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आइलैंड के बॉर्डर पर फिलिंग कर रहा था। चैलेंज नंबर 8, पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए एक साल से भी ऊपर हो चुका था। ब्रेक वाटर 8 किलोमीटर बन चुका था और दूसरी तरफ पाम आइलैंड की टीम भी दिन रात CBC काम पर लगी थी। अभी तक पाम आइलैंड की 16 में से 9 शाखें बन चुकी थी। तभी इंजीनियरिंग टीम के सामने एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जो उनके बहमो गुमान में भी नहीं था। ब्रेक वाटर, जिसको असल में समुंदर की ताकतवर लहरें रोकने के लिए बनाया जा रहा था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। वो वाकई लहरों को तो अच्छी तरह रोक रहा था, लेकिन अब आइलैंड के अंदर पानी का बहाव कम हो चुका था। यानी जो पानी आइलैंड के अंदरूनी साइड पे था वो एक ही जगह खड़ा रहकर मैला और बदबूदार होने लगा था। ये एक ऐसा मसला था कि अगर अभी इसका कोई सॉल्यूशन ना निकला गया तो इस बग का पूरा पूरा चांस था कि सेक का ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। अब इस मसले से निपटने के लिए आइलैंड के डिज़ाइन में चेंज करना ज़रूरी था। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आइलैंड के अंदरूनी साइड पर पानी चलता रहे ताकि वो खराब ना होने पाए। इंजीनियर्स को इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया। ये फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को दो साइडों से तोड़कर वहाँ ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर जाए और दूसरी साइड से बाहर निकल सके। ये सॉल्यूशन आखिरकार काम कर गया और पूरे 2 हफ्तों के बाद आइलैंड के अंदर फंसा बदबूदार पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस बाहर निकल गया। चैलेंज नंबर 9, अगस्त 2003 में पाम जुमेरा की ब्रेक वाटर का काम कम्प्लीट हो चुका था। 99 लाख टन पत्थरों से बना 250 मीटर चौड़ा ये ब्रेक वाटर समुंदर की लहरों को अच्छी तरह से रोके हुए था। इसके एक ही महीने बाद पाम आइलैंड के टीम से भी अच्छी खबर आ गई। देरकर और टन ब्रिज से बनाए जाने वाले पाम टी की 16 शाखें भी कंप्लीट कर ली गई थी। डेजर्ट जो एक साल से मुसलसल चल रहे थे उनका भी आरंभ करने का वक्त अब आ चुका था। इंजीनियरिंग टीम ने वक्त से पहले ही हैरतअंगेज तौर पर पूरा आइलैंड कंप्लीट कर लिया था। अब इस पर भीला शॉपिंग मॉल्स होटल बनाने की बारी थी, लेकिन मसले ऐसे थे जो किसी भी सूरत में इंजीनियरिंग टीम की जान नहीं छोड़ रहे थे। अब एंड टाइम पर एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। जो रेत डालकर पाम टी का शेप बनाया गया था वो रेत अभी भी लूज थी। वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से वापस पानी में जाना शुरू हो चुका था। सेक के सपने के मुताबिक इस आइलैंड पर मेटल रॉड्स और हजारों बिल्डिंग्स बनानी थी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि आइलैंड की रेत बिल्कुल ठोस हो। ये मसला पूरी इंजीनियरिंग टीम के गले में आ चुका था और इसी वजह से सारा काम एक बार फिर से हॉल्ट हो गया। इस मसले का जल्द अज जल्द सॉल्यूशन निकलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया का नज़र इसी प्रोजेक्ट पर टिकी हुई थी और इस आइलैंड की वजह से दुबई के सेक की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। इस मसले के अलावा और एक मसला भी था। दुबई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही आर्कटिक जोन के करीब है और अगर यह कोई आर्कटिक आया तो उसके इंतहाई खौफनाक नाताज हो सकते हैं। पाम आइलैंड की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, आर्कटिक से सिर्फ एक ही झटके में यह पूरा आइलैंड ऐसे ही ख़त्म हो सकता था जैसे इस पॉट में पड़ी रेत पानी के अंदर जा रही है। इस मसले का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि आइलैंड की रेत को 12 मीटर गहराई तक कॉम्पैक्ट किया जाए, जबकि नॉर्मल रोड रोलर सिर्फ 6 मीटर की गहराई तक रेत को प्रेस कर सकता है। अब इस मसले से जान छोड़ने के लिए इंजीनियर्स एक नया तरीका मैदान में लेकर आए। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगाई गई जो ज़मीन में जाकर अंदर वाइब्रेशन पैदा करती थी। इस वाइब्रेशन से रेत के ज़र्रात कॉम्पैक्ट हो जाते थे और जिस जगह ड्रिल सुराख करती थी वहाँ का हिस्सा फुल सॉलिड होता जाता था। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब हो चुका था। लिया जाए अब इस तरह के 2.5 लाख से भी ज़्यादा सुराख करके 5 किलोमीटर तक फैले पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना दिया गया। जिस आइलैंड को बनाने में 7 साल का वक्त लगना था, 40,000 वर्कर की मदद से इसको सिर्फ 3 सालों में कंप्लीट करने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया गया। जनवरी 2009 में
सारी बिल्डिंग बनाने के बाद पहली बार पामजुमेरा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। उम्मीद है ज्ञानसूर्य की वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।